भाई हो गया हैंड एयर ब्लू पे जा रहा था, कभी जिंदगी में नहीं गया हैंड। इतना सा हुआ है कि पहले 1 बजे की फ्लाइट थी लाहौर से टू दुबई, फिर आया अपडेट रात को 1:30 बजे, फिर थोड़ी देर बाद हुआ 2 बजे, फिर जब लेट इन द नाइट चेक किया तो वो 2:30 बजे हो गया। पहुंचा दे बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। ट्रैवल ब्लॉग बन रहा है। लास्ट टाइम जब मैं लंदन गया था तो मैंने किसी किस्म का ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी देर बाद कोविड के निकलने के बाद, कोई 3.5 साल बाद तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कहा यार नो कैमराज नो नथिंग जस्ट चिल रिलैक्स। तो अभी रात को तो मैंने मोस्ट ऑफ द पैकिंग, मतलब ये खाली है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो मैं ले कर नहीं जा रहा। ये भी जीन शायद अभी निकाल दूंगा, तो मेरा ये है कि मैं कम से कम वेट लेके जाऊं, क्योंकि एयर ब्लू जिस तरह मैंने उसकी इतनी अच्छी तारीफ की है तो 20 kg अलाउड है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस नाउ अलाउड 20 kg, बट ये है कि एयर ब्लू का कुछ भी दीन मान नहीं है, पहुंचा दे वही बड़ी बात होगी। तो मैं कम से कम, मैंने कहा है ना, अब जिस तरह ये जीन्स मैं अभी निकालने लगा हूँ बाहर, एक ही पेयर ऑफ शूज जो है ना मैं वो ये एयरफोर्स के पहन के जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वापसी पे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें बिकॉज वो जरूरी है। अब मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूँ सबसे कि कितने लोगों के साथ ऑलरेडी ये एयर ब्लू के ऊपर हादसा हो चुका है, कि मतलब डिलेज और ये सारा कुछ। मेरा तो मैंने कहा है ना फर्स्ट टाइम है, और मैं देखना चाहूँगा कि आगे, मतलब उम्मीद करता हूँ कि सर्विसेज एटलीस्ट ठीक हो, बट अगर वो भी ठीक ना हुई तो इसका रिव्यू टाइप भी सारा कुछ बन जाएगा और जो है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। बिकले रखें सामान, चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खैर आई विल मिस यू। तो ये है कि शॉर्ट ट्रिप है, कोई लंबा ट्रिप तो है नहीं। और अब मैं बताता हूँ मैं जा रहा हूँ दुबई। इंस्टाग्राम स्टोरी पे तो आपको पता लग गया होगा दुबई जा रहा हूँ फॉर 6 nights and 7 days। मिलने मिलाने का सीन थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आर्टेनरी जो है ना तला, बाय द वे आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारे जो अर्लियर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है तला का। तो तला लंदन से पहुंच गया हुआ है दुबई एज वी स्पीक, और आसिम जो उसका कजन है वो हम अभी मेरे साथ ही इसी फ्लाइट पे जा रहा है। जाना मैंने एमिरेट्स के ऊपर था क्योंकि मैंने कहा अकेले जाना है और बोर होने से बेहतर है कि वो एयर ब्लू पे जा रहा था, तो मैंने भी अपनी एयर ब्लू की टिकट करा ली। तो ये है कि चलो एटलीस्ट कंपनी रहेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो है ना 2.5 घंटे का डिले भी आएगा। जो सबसे ज्यादा मिस करने लगा ना वो है फिजान की कंपनी, और मुझे ये पता होता है कि जो मर्जी हो रात को KFC आ जाएगा, पर तला ने ये काम मुझसे वादा किया कि वो करेगा। ये देखो सुबह सुबह उठ के तो अच्छे डॉलर्स इकट्ठे कर रहे हैं, पासपोर्ट्स पकड़ने थे ये पकड़े, डॉलर हो रहा है। इतने डॉलरों में खुदा कसम इस वक्त तो रुपए की बारिश हो जाए। एयर ब्लू ने यार वैसे अच्छा हाथ किया है, मैं इनको यही पता, ये भी जरा देख रहे हैं। इसके बाद एमिरेट्स भी जाना है भाई, किसी ने भी जाना है इंटरनेशनल, आप उस पे करें ट्रैवल। अभी एयर ब्लू भाई होप कि आपकी बाकी सर्विसेज अच्छी हो, वरना टाइटल थंबनेल आप ही का बनेगा। याद है PIA का बनाया था है ना। तो आप तो एयर ब्लू पे अभी तक नेगेटिविटी में स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स होप के पॉजिटिविटी भी आप दिखाओ कहीं ना कहीं। और इस बेबी को तो मैं इतना मिस करूंगा, ये देखो कुकू डी। ट्रैवल कर रही है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर ब्लू और आसिम, जो फ्लाइट डिले हो चुकी है। फ्लाइट डिले, तो आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है टुवर्ड्स एयर ब्लू? ये है कि पहुंचा दे बड़ी बात है, बाकी का कोई पता नहीं। बात तो पता है कि अभी तो सिक्योरिटी से चेक इन करें, फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ है अभी? बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ है जो कि ये बताएगा खुद अपनी जुबानी। एक हमें मिला है बंदा जो फैन निकला है, नहीं 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 फैन वाली कोई बात नहीं है, उनकी मेहरबानी है कि पहचान ली। सीरियसली बड़ा प्रोटोकॉल दिया। मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं देखा, सिर्फ पूछा आप उनके साथ हैं, मैंने कहा हाँ, कहते आप जाए। नहीं बड़ी उनकी मेहरबानी है। बाय द वे वो इमिग्रेशन ऑफिसर है, नाम मुझे भूला हुआ है, बट थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
और बड़ा सुपर इजी था वैसे आना अंदर, सारा कुछ प्रोसेस जो है ना, रश नहीं था प्रोबेबली, लग रहा था कि तंग करेंगे लेकिन अच्छा था। अभी तो हमने कॉफी प्लैनेट से कॉफी के हमने कैपेचिनो पीनी है, बिकॉज मुझे तो नींद आना शुरू हो गया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। आई एम शर्तिया कि तूने किया होगा, और अगर तू एक्सपेक्ट करे ना कि एयर ब्लू से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है, हो सकता है कि वो कुछ भी खाना भी ना मिले या खाने के लायक ना हो। तो अभी खा ले जो तूने खाना है। हाय हाय, तूने अंडे तो नहीं खाए? नहीं जी। कॉफी प्लैनेट की आ गई है, चीयर्स। आप लोगों के साथ भी चीयर्स हो रहा है। लेकिन फ़ोन से ना ब्लॉग करने का अपना ही एक मज़ा आ रहा है, डिफरेंट है थोड़ा सा। लेट्स सी कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं एंड पे। मैं इसकी सेल्फी स्टिक छोटी सी लेकर आया हूँ, तो वो हाँ उससे होता है ना कि ये जिस तरह मैं घुमा रहा हूँ तो वो आसान हो जाता है, तो होपफुली वो इस्तेमाल तला को जो मज़ा आएगा ना तंग करने का। हाँ, और वैसे आसिम को आप ट्रिप पे पूरी तरह पहचान जाओगे, बहुत स्वीट लड़का। चीज अगर आप गौर करो तो एयर ब्लू का गेट भी नहीं लिखा हुआ, एंड राइट नाउ तो इट्स मतलब आप कह लो कि 40 मिनट्स ऑलमोस्ट रह गए हैं फ्लाइट टेक ऑफ करने में, और हम तब तक बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। यार थोड़ा ऊंचा बोला कर भाई, एनर्जी ला। हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ऐसे लग रहा है कोई रोबोट बोल रहा है। कहते हैं कैमरा ऑन होता है तो बंदे की ना पी बोल जाती है। एयर ब्लू ने हमारी सारी एनर्जी ड्रेन कर ली हुई है कसम से। हम 1 बजे से बैठे हैं, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, वार हो रहे हैं। कॉफी भी मुक गई है, सब मुक गई और हम भी मुक गए। ये तो रिव्यू तो बनेगा भाई, ये एयर ब्लू के ऊपर उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़े, अगर अच्छा हुआ तो हम भाई बताएंगे, अच्छी थी सर्विस, अच्छी थी। अगर बुरी हुई ओ और सारा कॉफी का काम हो गया। सही हुई ना आसिम की, 6:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया, तो खुदा की कसम कभी ज़िंदगी में अपने एयर ब्लू नहीं ले। और एयर ब्लू ये वीडियो सर्कुलेट ज़रूर होगी इंशाल्लाह, अगर पहले क्योंकि 1 बजे था, फिर 1:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 2:30 बजे, और अब इस वक्त आसिम साहब क्या टाइम हुआ? ये टाइम 2:15 बजे व्हेन वी आर अबाउट टू बोर्ड दे सेट के फ्लाइट इज लेट, और अभी भी वो बता नहीं रहे 6:30 इज आल्सो नॉट कट। फिर नहीं हुआ तो फिर नहीं जाएंगे एयरपोर्ट घूम के, और जो पैसे जाए होने वो होंगे, तला ने जो हरकतें करनी है वो भी वो करेगा। तला की हरकतें? तला ने खुद ही गोल्फ खेलेगा आज, खुद ही खाने पे जाएगा, खुद ही खाना खाएगा। उसने हमें पिक करने भी नहीं आना, ये रेडी है। अच्छा, रात के 12 बजे दुबई में हमने खुद जाना पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, ये है एयर ब्लू का जहाज, इनके बकौल बर्ड स्ट्राइक हुई है, तो बर्ड स्ट्राइक के केस में तो इंजन आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, लेट्स सी। क्योंकि अभी ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, वो कह रहा है यार 2:45 पे, लेकिन 2:45 पे आधा घंटे में भी आई डोंट थिंक टेक ऑफ वाला सूरत हाल बन रहा है। ये क्लियर एविडेंस है कि 6:30 का इन्होंने टाइम दिया, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, लोग लाड़े एक्चुअल लाड़े। आवाज़ारी का ये आलम हो चुका है, कहता है कि यार वो जो जहाज़ ख़राब हुआ है ना वो ठीक कर रहे, तो क्या वो सही उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? मैंने कहा ये मैं नहीं कुछ कह सकता, अगर उड़ा तो हम ना नीचे, अल्लाह माफ़ करे, सारे आज तक पी आई ए भी अच्छा लग रहा है, पी आई ए भी अच्छा है कसम से यार। 6:30 का कह रहे हैं कि मुझे 7:30 साल से पहले कुछ ही नहीं नजर आ रहा है एयर ब्लू, ये भाई देखते जाओ अपनी सर्विस। नो भी एयर ब्लू जो फ्लाइट आ रही है शायद वो भी रास्ते में परिंदा का शिकार हो जाए। हाँ भाना कैसे है? वैसे 1 बजे इनको पता लग गया था कि परिंदा का जो शिकार है ना वो 2 बजे होना है, सुबह 6 बजे हमने कर दिया था कि फ्लाइट घंटा। हाँ, और फिर इन्होंने 2 बजे का मैसेज भी, तो बाद में फिर 2:30 बजे का भी हो गया, तो परिंदा इनको पहले बताता है भाई मैंने आपके अंदर शिकार हमला करना है। एक और न्यूज पता चली है हमें, वो क्या? जो कराची की फ्लाइट है as predicted जिसने हमें लेना है
दुबई के लिए, उसने 4 बजे टेक ऑफ करना था। उसको भी परिंदे ने पहले बता दिया, परिंदे ने पहले बता दिया था, और अब वो 4:30 टेक ऑफ करेगी परिंदे की परमिशन से। अच्छा, और अगर वो पहुंच गई 4:30 के बाद 6 बजे यहाँ पे, तो फिर हम हो सकता है कि हम आगे का। हमारा गोल्फ का था, हमारा डिनर बुक था, प्रोग्राम तो बढ़ गया, हमारा ड्राइवर भी बुक था। अब वो मुझे तो लगता है हमारा ड्राइवर ने भी अब नहीं आना, अब नहीं आना उसका। मीनवाइल हमने कहा कि पेट पूजा का कोई तो तरीका निकले, मेरे वाले शोर मैंने ना कुछ डाइटिंग शुरू की है। ये कैसा है ये तो आप बाहर ही पता लगेगा आने के बाद। मिस्टर आसिम आप क्या खा रहे हैं? मैं भी समथिंग रैप। रैप खा रहे हैं? कोई नहीं, और तो कुछ नहीं समझेंगे। दुबई में हमने दुबई के किसी अरेबिक फूड जॉइंट पे है। भाई छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। एयर ब्लू ने हमारे दोस्त को खाना क्या दिया और एक एक्वाफीना की बॉटल क्या दी, बिक गया। ये तो बिरयानी से भी जल्दी बिका, लेकिन ये डब्बे में दिखाएंगे कि भाई साहब है क्या क्या है भाई। ये जी ये देखें, ओ वाह, ये मुझे लगता है खाना खराब होने लगा था, उन्होंने जहाज वाला वही परिंदे की बिरयानी है। तो मतलब चिकन मीठी विद ब्राउन राइस, क्या है चिकन लिखा हुआ ऊपर, ये देखो क्या लिखा है, चिकन मेथी, मेथी विद ब्राउन राइस। भाई आप मेथी खाए ना, इसमें चिकन भी है। वाह, ये वो परिंदा ही है, परिंदा है। ये वो परिंदा है, मैं बता रहा हूँ खुशबू से, तो ठहरो, ये वो ही परिंदा कंफर्म बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई अभी भी इतना टाइम इंतजार करने के बाद भी ये टाइम हुआ, टाइम गुजर नहीं रहा। तला हमारा मजाक उड़ा रहा होगा, आई एम श्योर कह रहा होगा और आओ पैसे बचाओ ना इमरेट से ना, लेकिन पैसों का यहाँ था नहीं। हम चाहते थे इकट्ठे ट्रैवल करें, ये ब्लू से आ रहा था, मैंने कहा वाई नॉट, लेकिन सारा कसूर इसका। ये तो इतनी भूख नहीं थी, मैंने आसिम वाला ले लिया, तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि मैं ट्राई करके ना बता सकूँ आपको क्या क्या। अभी सेव कर बस समझो। आसिम जो है ना आज, ये अल्लाह हबीबी दुबई क्या बात है। ये बता, ये जहाज है ये सामने, ठीक है ना, ये हमने जूम कर दिया, और आई होप ये ठीक वाला ठीक करके ना लाए हो कराची वाले के। देख रहा हूँ कि उसमें कुछ परिंदा तो नहीं था। आए दिन में थे, आए दिन में थे, और ये देखो सूरज जो है बिल्कुल, पहले देखा था वो बड़ा था, छोटा जहाज आया मेरे लिए। नहीं नहीं वो साइड से तूने देखा था, अब हम लेकिन मेरे खराटे कैसे लगे, खराटे आउटसाइड क्या। मैं हमारे साथ एक जद्दा की फ्लाइट थी, वो पहुंच के अब उमरा करके अपने आप को बख्शवा के बैठे हुए हैं, और हम इधर अपने गुना लेके बैठे हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे ये मेरी इस चीज की गवाही इसने दी है, मुझे लगा कि मैंने खराटे मारे सोफे के ऊपर लेटे हुए, और मैंने उठते साथ पूछा, मैंने कहा खराटे मारे, तो कहता बिल्कुल मारे, लेकिन अपने प्रेमिसेस तक आ रहे, हदूद में रह के। और थोड़ा थका होता ना तो इतने ज्यादा आने थे कि आप लोगों की सोच है, फिर हदूद से बाहर निकल, एयरपोर्ट वाइब्रेट होता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंधेरे में ही चलो, नाइट टेक ऑफ, लेट नाइट टेक ऑफ, गोल्डन आवर भी गुजर गया, सारे आवर गुजर गए। वो सामने जो है ना बाय द वे, आके हम बैठ तो गए, लेकिन इधर ये हमारे साथ एक चमन आदमी बैठा था। अच्छा, वो हमारी सीट पे कब्जा कर रहा था, फिर हमने उसकी तबीयत साफ किया, वो सेट हो गया। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितनी स्मेल आ रही पसीना 2000 की। अब हम ये कंफ्यूज हैं कि ये सुबह वाला सूरज है या शाम वाला, हमें तो नहीं समझ आ रही। नज़र तो सबको आ रहा है कि शाम वाला। अब जहाज जो है ना इस वक्त कम्प्लीटली फुल है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ना ऐसे कि पसीने की आखिरी बू आ रही है, मतलब गलती हो गई है एयर ब्लू लेके, सारा इसका कसूर है। मैं तो समझ नहीं आ रहा वापसी पे क्या होगा, वापसी पे तो फिर भी बेहतर होगा, ठीक है, बेहतर होगा अभी तो, अभी इमरजेंसी जिसमें स्टॉक स्पेस जो है ना वो काफ़ी है। तो अगर आप ये देखो, बट ओवरऑल जो है ना साइडवेज काफ़ी कम है, काफ़ी कम है ना,
ये देखिए, ये इसका थोड़ा सा लंबा है तो पुरानी आया, दस्ती बेल्ट बांध दी है ना, तो ये साथ एक है छोटा सा एंड दिस इज प्रीटी मच इट। कोई स्क्रीन्स को कुछ नहीं है एज एक्सपेक्टेड। बजट के तौर पे पासपोर्ट मैंने अपने पास रख लिया, बिकॉज लगेज पहले भी कोई टेस्ट अच्छा नहीं था, तो आई एम श्योर कि इस वक्त भी कोई फास्ट नहीं होगा। अगर आवाज़ में कोई ज़्यादा नहीं इतनी क्लैरिटी इज बिकॉज ऑब्वियसली एक्सटर्नल माइक नहीं है, लेकिन ऐसा ये है कि कम से कम ये गर्म ज़रूर है। उसका रैप उतार के देख तो आपने पहले भी लिया, लेकिन दोबारा से कोई हर्ष नहीं है। ब्राउन राइस एंड मेथी, चिकन मेथी, दिस इज इट। तू तो आज मेथी मेथी होगा, है ना? योगर्ट चाहिए तो मेरे से ले ले, मैंने नहीं पुकारा। ये थोड़ा सा हम डालेंगे एंड एट। टेस्ट का तो आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए आई डोंट थिंक है दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त भूख फुल लग। आगे नहीं, हम साथ दे रही फाइनली इस जहाज से हमारी जान छुटी। इस ट्रिप को हम याद रखेंगे, एयर ब्लू, एयर ब्लू ने हद ही कर दी है। इधर आ जा, सारी उम्र नहीं भूलने वाला ट्रिप। तो फाइनली हम बैगेज क्लेम करने आए हैं। इस कैसी एयरलाइन है, कैसा सफर रहा? अब दो अल्फाजों में बयान कर। नॉनसेंस। और अब हमें यह फिक्र है कि हमारा बैग वापस ना चला गया। इस वक्त टाइम ये देखो, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, यस ये लाहौर का टाइम है और इस टाइम हमें अभी 12 घंटे हो गए एयर ब्लू के साथ खुआ रहा। एयर ब्लू का सर कसम से लग रहा है कनाडा का सफर कर लेता है। ये ब्लॉग लंबा हो गया तो इसको यहीं कट करके अगला लाइक ऑन।
इंतज़ार करें। मैं ओवरऑल आपको ये बता दूँ कि पैथेटिक तरीन है एयर, कभी ज़िंदगी में ना फ्री भी हो तो ना। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इट्स लाइक टॉर्चर। क्या? इट्स लाइक टॉर्चर।